हाय गाइस, मोटो के ए सीरीज को इतना पॉपुलर होने का रीजन पता है क्या है कि मोटो के ए सीरीज में जो भी फोन आते हैं ना, वहां पे काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं और उसकी प्राइसिंग काफी कम रखी जाती है। इसलिए मोटो के ए सीरीज आज की डेट में इतना ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोटो के ए सीरीज में न्यू स्मार्टफोन को लेकर वेट करते हैं और मोटोरोला भी 1 से 2 महीने के आसपास ए सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ न्यू स्मार्टफोन को लॉन्च करता ही जाता है। वैसे भी यहाँ पे 16 सितंबर को मोटो AG50 न्यू भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का दूसरा मिलिट्री ग्रेड 800/10 वाले सर्टिफिकेशन के साथ आने वाला है, यानी कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये फोन काफी तगड़ा रहने वाला है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें तो जैसे एक नॉर्मल इंसान को मिलिट्री यानी कि इंडियन आर्मी बनने से पहले उन्हें कितने सारे टेस्टों को पास करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें इंडियन आर्मी का टैग मिलता है। उसी तरीके से मिलिट्री ग्रेड वाला सर्टिफिकेशन मिलने से पहले हर एक स्मार्टफोन को काफी हाइट से गिराया जाता है, उसमें कार वगैरह चढ़ाया जाता है, उसके बाद उन सभी टेस्टों को पार करने के बाद उसे एक मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसी तरीके से ये फोन उन सारी चीजों को झेल लिया, उसके बाद यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन दिया गया, यानी कि मजबूती के मामले में ये फोन काफी डिसेंट होगा। बाकी लुक एंड डिजाइन देख सकते हो, फोन का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहां पे वेगन लेदर की फिनिशिंग होगी, रियर पे ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया जाएगा एंड फोन फ्लाइट वाले डिस्प्ले के साथ आने वाला। अब फ्लाइट वाले डिस्प्ले का भी अलग सा अपना प्रोज है, वो भी हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। तो लुक एंड डिजाइन मोटो के AG50 सीरीज की तरह ही प्रीमियम रहने वाला है AG50 न्यू के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे IP68 की वाटर रेजिस्टेंस वाली रेटिंग भी दी जाएगी। अंदर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन आएगा 6.4 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, एक कॉम्पैक्ट हैंडी डिस्प्ले के साथ। यूजुअली 6.78 इंचेस या 6.77 इंचेस की डिस्प्ले काफी बड़ी होती है, बट ये 6.4 इंचेस के साथ आ रहा है तो हाथ में आपका इजिली फिट हो जाएगा, इजिली तरीके से फोन को यूज कर पाओगे। साथ ही डिस्प्ले पीओलेड LTPO को सपोर्ट करेगा विद 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, यानी कि देखा जाए तो स्मूथ एक्सपीरियंस डिस्प्ले के साथ मिलेगा एंड डिस्प्ले फ्लाइट होगा। इसका भी एक अलग प्रोज है कि गिरने वगैरह पे डिस्प्ले पे कोई भी स्क्रैचेस या कोई भी डेंट वगैरह नहीं आने वाले, ये एक प्रोज होता है एक फ्लाइट डिस्प्ले का। बाकी कंटेंट वाचिंग को लेकर SDR10+ 3-bit कलर सैचुरेशन जैसे फीचर का सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि नेचुरल कंटेंट वाचिंग SDR के साथ देख पाओगे। कैमरास की बात करें तो फोन आने वाला है ट्रिपल रियर कैमरे के सेटअप के साथ, जहां पर मिलेगा 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ YS जो कि सपोर्ट करेगा सोनी LYT 700C वाले सेंसर को। अब ये सेंसर के साथ काफी सारे स्मार्टफोन आ चुके हैं जहां पर क्लियरिटी काफी अच्छा खासा दिया जा रहा है, तो यहां पर आपको क्लियरिटी अच्छा खासा मिलेगा। साथ में YS दिया गया तो स्टेबल पे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाओगे। प्लस यहाँ पे 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जा रहा है एंड 10 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस विथ 3x ऑप्टिकल जूम, यानी ये कैमरास फोन का डिसेंट होगा। यहीं पे फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी भी दी जाएगी। तो कैमरास के मामले में भी ये फोन देखा जाए तो एक बेस्ट काम करने वाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहां पर हमें दिया जाएगा Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर जो कि Realme 13 Plus में भी यूज किया गया, जिसकी AnTuTu benchmark स्कोर 7,40,000 के आसपास जाता है, यानी कि गेमिंग वगैरह अच्छा खासा कर पाओगे, हार्डकोर गेमिंग भी नहीं बट हाँ मीडियम गेमिंग इजीली आप लोग अच्छे खासे कर पाओगे। साथ ही ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है LPDDR4X रैम टाइप्स एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप को, यानी कि इजीली रैम रोम को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा। सिर्फ यहाँ पे बैटरी एमएच कम दे दिया गया जो कि 4,300 mAh की बैटरी विथ 68 वाट की चार्जिंग। अब बैटरी को फोन को लाइटवेट रखने के लिए कम किया गया या फिर यूं ही कर दिया गया ये तो मोटरोला ही जाने, बट अदर स्पेक्स भी अच्छे खासे मिलने वाले। डुअल स्टीरियो स्पीकर होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है, 3.5 mm जैक नहीं दिया जाएगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा एंड 8/128 GB के बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे मोटरोला AG15 न्यू के साथ। अब प्राइसिंग क्या होगा इंडिया के अंदर, प्राइसिंग क्या रखा जाएगा ये बात करें तो बताया जा रहा है कि ये फोन 30,000 के नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे आएगा, यानी कि 27,999 के प्राइस पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी कि 28,000 इसकी बेस ब्रांड की प्राइसिंग हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। देखा जाए ना तो यही सेम प्राइस पॉइंट के साथ वीवो T3 अल्ट्रा भी आ रहा है, वहां पे भी काफी स्पेसिफिकेशन तगड़े दिए गए, तो दोनों के बीच में काफी कड़ी टक्कर हो सकती है। दोनों के बीच में मैं एक फुल कंपैरिजन वाला वीडियो लाऊंगा इसके बाद, वो आप लोग जरूर से देखना। फिलहाल ये रहा गाइस मोटो AG50 न्यू से जुड़े काफी सारे डिटेल्स। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।